अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको इंडिकेटर की कैलिब्रेशन बताने जा रहे हैं। A8142 प्रो ये दिए इंडिकेटर को मॉडल है, मेटलो टोरिडो ये कंपनी है। इसका जो है कैलिब्रेशन का मेथड ये है कि सबसे पहले आप इसको खोलेंगे। खोलने के बाद इसके अंदर आप ये देख रहे हैं कि K1 बटन है इसका। ये देखें, ये K1 जो इसका पहला बटन है, इसको आप ऑन करेंगे। पहले ऑन करने के बाद आप इस इंडिकेटर को सप्लाई को, तो ये देखें, जब मैंने इसको ऑन किया तो इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि L1 लिखा हुआ आया। ठीक है, इसको हम अब एंटर बटन की मदद से फंक्शन में आगे जाएंगे तो F1.1 आया, तो वो ये इसकी फुल कैपेसिटी है। इसके बाद आप दोबारा एंटर दबाएंगे तो F1.2 आया, ये इसकी डिवीजन है। और फिर आप इस एंटर को दबाएंगे तो F1.3 है, ये इसके डेसिमल पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद दोबारा आप जब इसको दबाएंगे तो F1.4 है, ये ज़ीरो कैलिब्रेशन है। यहाँ आप जो ज़ीरो आपको लिखा नज़र आ रहा है, आपको ज़ीरो बटन की मदद से, ये ज़ीरो बटन है इसका, आप इसको वन करेंगे। वन करने के बाद आप इसको ये एंटर करेंगे। ठीक हो गया, तो आपने देखा कि अब मैं इंटर कर रहा हूँ तो एम्प्टी स्केल लिखा हुआ आ गया। एम्प्टी स्केल यानी इस वक्त आपका स्केल खाली होना चाहिए। फिर आपने इसको, तो ये ज़ीरो कैलिब्रेशन स्टार्ट हो जाएगी और ये काउंटिंग जो है ये 15 से लेकर नीचे ज़ीरो तक आएगी। ठीक है, तो ये देखिए, ये काउंटिंग शुरू हो चुकी है हमारी। ठीक हो गया, अब ये आपके पास F1.5 आ गया। इसको आपने ज़ीरो बटन की वजह से फिर वन करना है स्पिन कैलिब्रेशन के लिए। तो फिर आपने इसको एक दफ़ा एंटर दबाना है, जो एड लोड यहाँ पर आपने गाड़ी खड़ी करनी है इसके ऊपर। ठीक हो गया, और इसके बाद आप जब गाड़ी खड़ी हो जाएगी तो आपने इसको एंटर करना है। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो वज़न उस गाड़ी का है आप इसके अंदर लिख देंगे। जब वो वज़न आप लिख देंगे तो फिर आप एंटर करेंगे और कैलिब्रेशन स्विच बंद करेंगे, तो आपकी कैलिब्रेशन मुकम्मल हो जाएगी।